बैठ जा बच्चे, बीच में जो खड़े हो बैठ जाओ सब। जिसने जो मांगा वही मिला। सोता बंधु, जब भगवान का अवतार हो गया था, एक देवताओं के जो देवता थे महादेव, उन्हें भी पता चला, उन्हें भी पता चला। सोता बंधु, तो आज बाबा नंद के आंगन में, बाबा नंद भवन के यहां बनवारी बाबा एक जने और आए हैं आज। कौन आए सुनो, अरे रामीदा शिवजी आए, पता चल गया था कि अवतार हो गया है। यशोदा मैया दरवाजे पे आई, जो दरवाजे पे डमरू बजाओ बाबा को जोड़ते हैं। सोता बंधु, भोलेनाथ ने कही का है, यशोदा मैया ने कि बाबा कहां से आए हो? मैया बहुत दूध से आए, इतनी दूध से आए ता हमारे अलावा कोई रहती ना, कोई गांव है ना, कोई बस्ती है ना, का को मकान ठोर माइना है ना, इतनी दूर से आए। तो बाबा कैसे आए हो? देखिए भोलेनाथ ने कहा क्या है, अरे पर्वत मेरो बांसुरी और आयो तेरे बांसुरी Thank you.
लाला के दर्शन करवे आयो हूं, मालूम पड़गी तेरे लल्ला भयो है। सो ध्यान रखना, भयंकर काली नाग जो नार में देखो चारों तरफ से भसम लग रही, शेर की छाल कंधा पर पड़ी। जसोदा ने कही के बाबा तोए वो अपे लले दिखाई दूं, मैं तो देखते ही मत जावे, डिट खा जाई बिल्कुल ना। बोला ने कही के बच्चो कितनो तो मनु करके आए और सौ दर्शन नहीं भाई, सौ दर्शन नहीं भाई। और भगवान पालना में सुना ध्यान से, भगवान भक्त की मदद कितनी करता है। यशोदा मैया दरवाजे पर खड़ी हैं, मैया नेक लल्ले दिखा दे, यशोदा ने की बिल्कुल ना है, कबाऊ ना है, तो दिखा दू तो देखते ही नजर ना लगाई। बोले बाबा ने हाथ में त्रिशूल लेके और बाबा नंद की चौखट पर गाड़ दो। यशोदा बोली गए महात्मा का कर रहे हो, देख मैया त्रिशूल तो कर रहा अच्छी और शेर की छाल बिछ रही अच्छी, अबे ना दिखा भाई तो निक बड़ो है जाओ, जब पान चले वेला कह जाओ तब तो लिखा रहे हो घते तादन देखू। जसोदा ने की सुन खेल बे के लिए बढ़िया तो बढ़िया खिलौना मंगवा दू, सब बालकन में भवन में बुला लू, यही खिलवा लूंगी पर तो इन्हें दिखाऊं कैसे। भगवान की सुन जब नेक और बड़ो है जाए तो पढ़वे स्कूल में तो भेजाई, तब दर्शन करके जाऊंगा। जसोदा मैया बोली सुन एक तेग बढ़िया आचार घर बुलवा लू, मैं आंगन में पढ़वा लूंगी पर घट पान ना लेकर दूंगी तो ना दिखाऊं कब। बाबा ने की तू कितनो हलके में ले रही है, चल खेल तो बना दे खन रही, घर में खिलाई ले घर में पढ़ाई ले तो काउ दिन ब्याह कर रही तब मौत धर के तो लिखा रही। ए जसोदा ने की तोता बैठो ही रहे हो। बाबा ने की मैया कैसी बात करते, तू ब्याह की बात कर रही है, तेने भाई मेरा पर्चा जानो ना, मैं 10,000 बस तक तो मेरा बदासन पर उठत ना हूं पर दर्शन करके जा। जसोदा ने की खूब सुन ले महात्मा बैठो रहे मुंह ना दिखाओ कैसे हूं। जसोदा मैया भी तो चली गई, भगवान ने की मामला बिगड़ेगा, धमकाई तो बहुत हुई पर डुकरिया कवजा में नहीं आई। डुकरिया कवजा में कहा, चौधरी की डुकरिया आज तक कवजा में ना आई का हुए। श्रोता बंधुओं भयभीत भाई, सो जो भोलेनाथ लौट के चले, देखो सुनो क्या हुआ है, पालना में पड़े हुए थे तो भोलेनाथ उदास है के लौटे, प्रभु हम तो तुम्हारे दर्शन करवे आए और बहुत बड़ी आस लेके आए, इतनी दूर कोई मतलब नहीं करो। जसोदा मैया ने तो लौटा दे, जो इतनी कही के लौटे पालना में पड़े थे। देखिए हुआ क्या, नंद भमनती लौट गए और पीछे कूत्र पुरारी है, और पलना थी जब कूद गए तब उलटिया खात पठारी है।
पूरे शरीर में भस्म लग रही मगर श्याम पै काम में ललाप कछ मारेगो और ये बना बचे हो मैं ललाप देखे कछुना जीव लग रही बार ए भगवान आंखे नटेर गए और मोते जाग निकल रहा बिल्कुल पछार खा के गिर पड़े जसोदा का करे ए बेना का करी बता तुम मेल राम देखने के भाई महात्मे बात देले जल्दी सब पीछे ते जसोदा मैया ने कहिया का बाबा ओ बाबा लौट जाओ मैं अपन लला दिखाऊंगी तुम्हें आ जाओ क्या बच जसोदा जी जब तेरी लाई और भीतर याद हिलोना है और ना पीछे कूदे बाबा निकल ले देख ले जसोदा ने अगाई काटी है बाबा तुम्हारी सब मेल लला में कचरा है अब आइए से लौट के चले देख मैया एक काम कर दइए जित इधर हम देखे थे इधर देख ले नहीं तू लात मत करिए सब जाए के बोले नाथ ने गोद में ले ले जैसी हाथ भैरो है सो उतर दोनों पलक खोल दियो जो नेक मुस्कान है कहो कैसे आयो प्रभु मोय मालूम पड़ गई कि तुम्हारा अवतार हैगा बता दे दर्शन के लिए आओ बाल रूप में भगवान के दर्शन करने त्रिपुरारी भगवान आए थे त्रिपुरारी भगवान इधर कंस की जो दासी थी जिसका नाम था पूतना ये कौन थी ये पिछले अवतार में राजा बलि की लड़की थी रतनमाला बामन भगवान का अवतार हुआ था तो इसने बामन भगवान से यह मांगा था कि मैं तुम जैसी संतान चाहती हूं। उस समय भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे जन्म तो नहीं लूंगा लेकिन द्वापर में आकर के दूध अवश्य पीऊंगा। आज वो ही रतनमाला पूतना बन के आई है और जैसे बाबा नंद के आंगन में आई है तब कही मैया मैंने जी सुनिए तेरे लल्ला भयो है जो सब काम देखो तू कहां रह गई मैया तेरी से मुझे ना मालूम पर भाई मैं तो पहले ललाए मलिकाने मुड़ाई भी ले गई आज गंगा जी पे लौट के आ पाई वाले देख ला पालना में ध्यान रखना पालना में से बेटा को उठाया समय कैसा बना कितना सुंदर बना कि लल्ला को खिलात रही और उनके दरवाजे में आई है आंचल से जहर लगा के आई थी जहर विष अरे जाके कृपा मात्र से विष भी अमृत बन सकता हो बापे जहर असर क्या करेगा लेकिन सुनो अमृत का काम क्या है जहर का काम है मारना और अमृत का काम बचाना अमृत जिंदा करता है मरे हुए को लेकिन सुनो इससे भी आगे भगवान की दृष्टि होती है भगवान की कृपा होती है अमृत का कर्म ही जिंदा करना है लेकिन आपने देखा होगा रामचरितमानस में एक जगह अमृत भी फेल हो गया अमृत भी फेल हुआ कब जब भगवान की नजर नहीं भाई तब जब राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ और जिस समय वानर भालू भी मारे गए थे और वो राक्षस भी मारे गए थे दोनों तरफ से योद्धा मरे तो भां हुआ क्या ऐसे गोस्वामी जी बता रहे के सुधा प्रष्टि भाई और दो दल माही जिए भालो सुधा भ्रष्ट भाई दो दल माही और जिए भाल कप निश्चर जो अमृत की वर्षा जब भाई तो भालू बंदर सब जिंदे भाई पर राक्षस जिंदा कोई नहीं अमृत तो सब पर बराबर पड़ो लेकिन ध्यान रखना उसका कारण क्या था कि जो भी राक्षस थे भगवान के हाथ से मर गए थे वो जा दुनिया से तर गए थे आज दूध प्यात रही
दूध जब पिलाने लगी तो दूध की मात्रा जब खत्म भई सो खून पर नंबर लग गो। और मालूम जब शरीर में तो खून खिंचत हो तो पान माओ तो हड़कल पत्ते हैं नीचे थे। अब जो पूतना बेचैन भाई सुबह बालक में ढक्का मार रही है, ये तो चूल्हे में टका दी मैं सब दिया पीरी पड़ गई। अब इतनी कस के पकड़ ली भगवान ने नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। उसी समय आज बच्चे को लेकर के आकाश में उड़ गई है। सोता बंधो अजा जी बताओ अब के 50 रुपया कोई और ले हुए? वो बालकी है ना गई फौजी के साले की हत्या, बहुत जल्दी बता दियो सोई ले जाइयो सबसे पहले किन को। अब भाई भाग्य मंगलो तो भाई ले जा भाई 300 × 3 इज इक्वल टू 300 × 3 नहीं लगा ऐसा? हाँ हाँ बोलो बोलो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। बस आ जाओ ₹500 देंगे रविंद्र फौजी, ससुराल जाएंगे तो बस। अरे ना अरे बेटा कैसी बात करते, फूफा के रुपया आए हाँ तेले तो वो लड़की के समान है तू। अरे इन्हें ना के ससुराल या दे दे का उतने 1000 छुट्टी भाई। देखो बेटी बहुत सुंदर वास्तव में लड़की पढ़ती है योग्य है, अब अंदाज लगा लो तुम्हारी सब मुंह में बेइज्जती लग रही है जो छोरी दो बेरे नाम लेगी इतने बड़े काम में थे। तो ताते अब की बार कबहू भागवत होवे तो जितने बालकों सब मेहनत पड़ियो अब के इनाम मिल रहा है तो माने ही मिले हैं। बोलो 251।